दोस्तों, वन प्लस एच थ्री भी जो चाइनीज मार्केट में लॉन्च हो चुका है और यही फोन जो है रीब्रांड कर इंडियन मार्केट में वन प्लस नॉट 4 के नाम से लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होने वाली है और कितने प्राइस रेंज पे इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और ये इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च होगा। तो मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल बार में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस नॉट 4 के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इस फोन के लुक को लेकर, जहाँ पर इसका लुक जो है आपको वन प्लस नॉट सी 4 की तरह ही देखने को मिलता है। हाँ, वन प्लस नॉट सी 4 जो आपको 1 अप्रैल को लॉन्च देखने को मिला था, उसी की तरह इस फोन का लुक होने वाला है, जहाँ पर पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा का सेटअप, एक एलईडी फ्लैश और वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। वहीं पर इसकी फ्रेम जो आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी और इसकी बैक जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के प्रोटेक्शन के साथ आने वाली है। इसकी डिस्प्ले आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, डिस्प्ले पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और वहीं पर इसमें आपको वन प्लस का सबसे फेमस स्लाइडिंग बटन भी देखने को मिलेगा। वन प्लस नॉट सी 4 के अंदर नहीं था और वन प्लस नॉट 4 के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको यूएसबी टाइप सी का पोर्ट होने वाला है, एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको आईआर ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा, नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलेगी और वहीं पर राइट साइड पर आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिलेगी। डिस्प्ले के ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। फेस अनलॉक का भी फीचर इस फोन के अंदर होने वाला है और वहीं पर ये फोन जो आपको एंड्रॉइड 14 पर रन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन वॉइस 14 इसका सॉफ्टवेयर होने वाला है। अब इस फोन के रैम और रोम के बारे में बात करें, LPDDR5 की रैम होने वाली है इसके अंदर और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप होने वाला है। चलिए अब फोन की बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर ये इसके अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 125W के फास्ट चार्जर के साथ आने वाली है और चार्जर जो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.7 इंचेस की आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेशिंग रेट के साथ आने वाली है। वहीं पर आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, HDR10+ का सपोर्ट होने वाला है। नीक पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो आपको 1800 की नीट पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले जो है वो बहुत ही अच्छे होने वाली है। वन प्लस नॉट सी 4 से थोड़े से मेजर्स अपग्रेड किए गए हैं वन प्लस नॉट 4 की डिस्प्ले में। तो चलिए अब फोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अंतुतु स्कोर के बारे में बात करें तो आपको 1 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर जो आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के प्रोसेसर से भी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलता है और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के पावरफुल से थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 जो है वो कितना पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है। तो चलिए अब फोन के कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें पहला कैमरा जो आपको 50 MP का सोनी IMX882 का सेंसर देखने को मिलता है और वहीं पर 13 MP का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करें तो आप 4K 30fps में इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्फी कैमरा जो आपको 32 MP का देखने को मिलता है। तो ये थी इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशन। इस फोन के लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें तो आपको अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा ये फोन लॉन्च में। और वहीं पर इस फोन के प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इसका बेस वेरिएंट 8GB और 128GB वाला होने वाला है, जिसकी प्राइस जो आपको अराउंड 22,999 के आसपास देखने को मिलेगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं और टेक्निकल बार को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।